हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्ट टू हार्ट काइंड ऑफ अ वीडियो, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू माय वीडियोस अर्लियर एंड आई थॉट कि आई डिड शेयर अ बंच ऑफ अपडेट्स ऑन टू माय स्किन केयर जर्नी। आई डिड शेयर वन वीडियो बैक इन दिसंबर वेयर आई टॉक्ड अबाउट मी हैविंग मास्क नी, व्हिच वाज एक्ने ड्यू टू वेयरिंग अ मास्क। And then I shared a bunch of different products and then I started doing product reviews onto my channel. And I was like, yeah, I shared a fair bit about my skin and my acne and my scarring journey. But I did skip the most important part out of all of it. Like the most important thing that I should have done probably earlier, but you know, it's better late than never. And that is mental health issues that are related to having acne or any other skincare issues. And I'm not going to bore you with my experience because I know, you know, you're not interested in that. I'm going to share with you the tips and tricks that helped me and the tips and tricks that will hopefully help you too. So if you're interested, give this video a thumbs up. Comment down below if you want to add something to this video. I will really appreciate to know what you guys think about these videos. So if you have not subscribed to my channel, subscribe down below. And now let's just start the video. ओके, तो सबसे पहले तो देखें, मेंटल हेल्थ को लेके ही बहुत सारे लोग बहुत स्केप्टिकल होते हैं। बहुत सारे लोग इवन टुडे मेंटल हेल्थ के ऊपर, मेंटल वेलबींग के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते। अब मेंटल हेल्थ जब आप ऐसी चीज़ों से एसोसिएट कर देते हैं, आपके लुक से या एक्ने से या स्किन केयर इशूज़ से, तो फिर वो एक और स्टेप पे आ जाता है कि यू नो दिस इज़ नॉट एज सिग्निफिकेंट एज ऑफ अ थिंग एंड दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पीपल आर लिटरली डीलिंग विद मच वर्स। एंड आई कम्प्लीटली अग्री, लाइक पीपल आर डीलिंग विद सो मच दीज डेज दैट एक्ने और स्कारिंग एंड थिंग्स आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज ऑफ अ टॉपिक। एंड आई ऑलवेज से कि एवरीबडी शुड बी हैप्पी इन देयर ओन स्किन। लाइक आई लिटरली मेक वीडियोज ऑन दीज टॉपिक्स। आई हैव गॉट वीडियोज रिलेटेड टू हाउ नॉट टू हेट योर सेल्फ, आई हैव गॉट वीडियोज रिलेटेड टू इनफर्टिल, लाइक सो मेनी थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू body positivity and things. That being said, if you're somebody who have dealt with it or if you're someone who is going through these issues, you can or you might relate to what I'm saying right now, because it does comes with a fair share of mental health issues also. It gives you very low self-esteem, it lowers your confidence level, right? It makes you feel really anxious about things, it makes you feel really bad about yourself. And it's not just me telling you these things. Researchers ne ab sabit kar diya hai ki the people who are having or dealing with acne, more than 50% of those people are also dealing with depression related to acne. So that is actually now proof. ये चीज़ obviously effect करती है, लोगों पर effect करती है। अब acne के बहुत सारी types हैं, बहुत अलग अलग phases हैं, बहुत अलग अलग causes हैं। इसमें आपके पास hormonal होती है, teenage में भी होती है, उसके अलावा stress से होती है, उसके अलावा अगर आपकी oily acne prone skin है, if you're not cleansing it properly, बहुत सारी reasons हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन कुछ ऐसे factors हैं इनफैक्ट जिनको आप control कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप avoid कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप control नहीं भी कर सकते, and उसको फिर treat किया जाता है, मैनेज किया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आई रियली वॉन्ट टू टेल यू बिकॉज आई नो कि दीज थिंग्स विल हेल्प यू। दैट बींग सैड, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल और डॉक्टर और डर्माटोलॉजिस्ट और एनी थिंग, सो डोंट टेक माई वर्ड एज ए मेडिकल एडवाइस। आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक हार्ट टू हार्ट थिंग्स दैट हेल्प मी एंड थिंग्स दैट हेल्प अदर पीपल ऑल्सो, एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई फ्रीक्वेंटली लिसन फ्रॉम अदर डर्माटोलॉजिस्ट एंड स्किन केयर एक्सपर्ट्स। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। एंड आई विश आई हैव यू नो गॉन और यू नो जस्ट लाइक मैं इस स्टेज पे पहले आ जाती। सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड करें योर स्किन टाइप, ठीक है? इफ़ यू हैव गॉट ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, तो यू शुड नो कि यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, बिकॉज ये बेसिक चीज़ें हैं और अनफॉर्चुनेटली लोगों को इसके बारे में इतनी अवेयरनेस अभी तक नहीं है। अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, देन यू नीड टू बी अ स्टेप अहेड व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स। और इवन इफ यू आर हैविंग एक्ने, यू शुड नो व्हाट योर स्किन टाइप इज टू बेटर कॉम्बैट एंड बेटर कम अप विद योर स्ट्रैटेजीज टू डील विद इट, ठीक है? अब जब आपको पता है कि व्हाट इज योर स्किन टाइप, आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है, आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, जो भी आपकी स्किन टाइप है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी आउटर, बाहर वाली चीज़ों पे, ठीक है? जो ऊपर से हम कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइजीन, क्लीनलीनेस, ठीक है? सफाई,
हर हाल में सफाई, आपके पिलो केसेस गंदे ना हो, आप अगर चश्मा पहनते हैं तो आपका चश्मा साफ़ रहना चाहिए, आप अगर स्कार्फ पहनते हैं तो आपका स्कार्फ क्लीन होना चाहिए, बिकॉज यू नो दे ऑल कम इन कॉन्टैक्ट टू योर स्किन, वो सारी चीज़ें क्लीन होनी चाहिए। देन मेकअप दैट यू यूज़ वो एक्सपायर्ड ना हो, वो लो क्वालिटी का मेकअप ना हो, अगर आप फेक प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो दे हैव ए हायर चांस ऑफ रिएक्टिंग टू योर स्किन। उसके बाद प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस ना हो, एडिड कलरेंट्स ना हो, फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और इफ़ यू आर स्टिल नॉट पेइंग अटेंशन टू योर प्रोडक्ट्स एंड यू आर नॉट लुकिंग आउट इन द इंग्रीडियंट लिस्ट, यू आर जस्ट डूइंग द वर्स्ट दैट यू कैन डू टू योर स्किन, बिकॉज आई हैव सफर्ड। सी माई स्किन, लाइक आई हैव गॉट दीज स्कार दैट आर स्टिल ओवर हेयर एंड आई एम नॉट यू नो वेयरिंग एनी मेकअप, एज यू कैन सी ऑब्वियसली, यू कैन सी हाउ माई स्किन लुक्स एंड आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, दैट्स व्हाई आई एम फिल्मिंग इन द स्किन दैट आई हैव। आई नेवर यूज एनी फिल्टर, आई नेवर एडिट एनी ऑफ माई वीडियोज आउट, बिकॉज आई इंटेंशनली वॉन्ट टू जस्ट नॉर्मलाइज दीज थिंग्स, राइट? दीज आर नॉर्मल ओके थिंग्स टू हैव, लाइक स्कार्स, फ्लॉज, ऑल दीज थिंग्स आर ओके एंड एवरेज एंड एवरीबडी शुड अप्रिशिएट एवरीथिंग, ओके? बट स्टिल यू नीड टू नो हाउ टू बेटर मैनेज योर सेल्फ, ठीक है? मैनेज करने के लिए इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, सैल्सिलिक एसिड इज अ रियली गुड इंग्रीडियंट टू डील विद। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर क्लेंजिंग सिस्टम, विद अ क्लेंजिंग सिस्टम यू नीड टू प्रॉपरली वॉश ऑफ योर फेस आफ्टर यू अप्लाई मेकअप, ठीक है? उसके लिए यू डोंट नीड हार्श प्रोडक्ट्स और हार्श केमिकल्स फॉर योर फेस, ओके? यू डोंट नीड एनी ऑफ दैट। यू नीड टू यूज़ अ जेंटल फोमिंग क्लेंजर टू वॉश योर फेस ऑफ। यू नीड सैल्सिलिक एसिड काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, यू कैन गो फॉर बेंजोइक पेरोक्साइड, लाइक देर आर अ लॉट मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर रियली गुड फॉर योर स्किन। जस्ट डोंट यूज़ अ मिलियन डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन टू योर स्किन, जस्ट डोंट गो ऑल आउट विद योर स्किन केयर प्रोडक्ट, जस्ट टेक इट स्लोली एंड simplify your skincare routine and simplify whatever you do onto your face. And once you're done with like all these things, ek bahut important jo factor hai usme aapka aa jata hai what you eat, aapki health. Whatever you put inside your body is going to reflect it outside, theek hai? If I'm eating chocolates and things, I am going to have a pimple, like that's a done thing for me. So notice karein ki what you are eating. If you're eating a lot of complex carbohydrates, then they are also going to pop up as pimples in most cases. Chocolates ho gayi, ya uske alawa excessively sugary foods jo hote hain, aapki jaise caffeinated drinks hain, cold drink, Pepsi, Sprite wagaira, to wo sab cheeze aapki jo body hai uske andar free radicals ko produce karti hain. Phir free radicals jo hote hain unhe kahin na kahin kuch na kuch to mess up karna hota hai, phir wo cheeze kharab karte hain, issues aate hain, to inka khayal rakhein. और इसके अलावा जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक फैक्टर है वो यही है, टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, फील गुड अबाउट योर सेल्फ। इट्स नॉट अबाउट हाउ पीपल आर फीलिंग, बिकॉज अक्सर ये होता है कि हमारे दिमाग में होता है कि नो व्हाट पीपल विल से, व्हाट पीपल विल सी। इन मोस्ट केसेस पीपल आर जस्ट नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू बी जजमेंटल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? उसके अलावा भी इवन इफ पीपल आर सेइंग समथिंग, यू नो स्टार्ट टू लर्न हाउ टू बी, how to feel good about yourself. It's a process. I cannot tell you the exact ways of how you can do that, but it's a process and you can even start right now. If you're dealing with any other thing, even other anything other than acne, it's going to be fine, right? I had a really bad flare up, my skin was really inflammatory, I had really bad bumps, I'm still having scarring, but you know what, it's fine, like it's my skin, it went through a lot and it's going to calm down at its own pace. That being said, I hope that you guys might have learned something. If you like the video, thumbs up, comment and please subscribe to my channel. Agar aapne subscribe nahi kiya hai to. Aur iske saath hi, I will see you guys in my next video. Till then, feel confident, feel beautiful. And yes, I'll see you guys next time. Bye bye.